तरीके से स्टेप बाई स्टेप 510 और 92 का HCF LCM कैसे निकालें यह सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। तो 510 के हम सर्वप्रथम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। प्राइम नंबर कौन से रहते हैं, 2, 3, 5, 7। सर्वप्रथम इसमें 2 का भाग करते हैं, भाग गया 2 बार 5 बार 5 बार। अब इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है कितना, 8 बार 5 बार। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार 7 बार। 17 में 17 का भाग जा रहा है 1 बार, क्योंकि आगे के प्राइम नंबर कौन से हैं, 11, 13, 17, 19। ठीक है, गुणनखंड करने में समस्या है तो इसका आप अच्छे से और प्रैक्टिस करें, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 92 के फैक्टर कर देते हैं। इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार 6 बार। 46 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार 3 बार। 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 23 में 23 का भाग 1 बार। तो 510 के गुणनखंड क्या आ गया बच्चों, 2 × 3 × 5 × 17। 92 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 23। हमें क्या चाहिए, अपना HCF एंड LCM चाहिए। तो इसको याद रखने का ट्रिक बताऊं क्या, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। इस HCF का फुल फॉर्म याद करो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर यहाँ भी है यहाँ भी है, कौन है, तो उसके बाद 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, बस इतना ही है। LCM में हमें क्या करने हैं, सभी फैक्टर लेने हैं। तो सभी फैक्टर में पहले तो आपका कॉमन फैक्टर आ गया, उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर कौन हैं, 2, 23, कौन है, 3, 5 और 17। अब हम इन सब का गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं, ठीक है, 510 × 46। गुणा करने में समस्या है तो गुणा करने का भी आपको अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। ये आपका कितना आ रहा है देखिए, 23,460 आ रहा है, ठीक है। ये आपका LCM आ गया, HCF आ गया। गुणा कैसे किया देखिए, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 2, 11, 2, 3, 3, 5, 5, 17। इनका डायरेक्ट गुणा कितना आ गया, 510, पीछे क्या बचा, 2 × 43, 46, 510 × 46 कितना, 23,460। ऐसे अपना गुणा भी फास्ट कर सकते हैं।